हमारे साथ देहरादून से गौर, स्वागत है आपका। हाँ जी बताइए, प्रश्न करिए। वो मेरे को मैम ये पेट में गैस होता है, तो कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द होता है। कब से दिक्कत है ये? ये दिक्कत मेरे को हो गई 2-3 महीने। एज क्या है आपकी? एज मेरी 50। 50 50 ठीक है। देखिए, पेट में जो गैस होती है उसके लिए धनिया, मेथी और आंवला सूखा हुआ, मेथी का दाना, धनिए का दाना और आंवला सूखा हुआ पाउडर बनाकर आधा आधा चम्मच 2 या 3 टाइम गर्म पानी से लिया करें, आपके पेट की तकलीफ का ठीक होना मुमकिन है। कमर दर्द के लिए कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, एक सुबह एक शाम लें, और अगर 1 महीने में भी ठीक हो जाएं तो 2-3 महीने लगातार लेंगे, तब आपको हमेशा के लिए फायदा मुमकिन है जी। अगले कॉलर राजस्थान से आशु, स्वागत है आपका। हाँ सर बोलिए। बताइए साहब, बताइए क्या सवाल है। हमारे खुद ले हो रही है, खुजली हो रही है। पूरी बॉडी में है या कहीं कहीं है? गर्दन के पीछे। गर्दन पे? ये देखिए, कहीं हो या एक जगह हो या बहुत सारी जगह हो बॉडी पे खुजली अगर होती है, तो आपके किचन में एक चीज़ जिसे हम खाने का सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा लीजिए, एक चुटकी में जितना आ जाए आपके, ये चुटकी है, और एक गिलास पानी में मिला के रोज़ एक बार पी लिया करें, आपकी खुजली एलर्जी का ठीक होना मुमकिन है जी। हकीम साहब, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात कही थी कि हाथ जिन औरतों के नहीं चल पाते हैं या जिन पुरुषों के, क्या हाथ में भी गठिया होती है? अभी गठिया का रोग जो है वो या तो पैर की उंगलियों से जी, या हाथ की उंगलियों से शुरू होता है जी, और एक इससे मिलता जुलता रोग है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसका भी यही है कि या तो पैर की उंगलियों से या हाथ की उंगलियों से शुरू होता है। तो अगर इन पे सूजन हो गई है, लाल हो गए हैं, तो समझ लीजिए यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और स्टिफ हो गए हैं, और फिर आधा घंटे बाद जब उठते हैं महिलाएँ और चलती फिरती हैं, थोड़ा काम वाम करती हैं, तो ये ठीक हो जाता है। ये है यूरिक एसिड बढ़ने की बात। और अगर वो दर्द पूरे दिन रहता है और ऐसा दर्द शुरू हो गया, तो ये गठिया है। ये दो रोग ऐसे हैं जिनका इलाज ज़रा सा मुश्किल है, 5-7 महीने भी लग सकते हैं, बाकी तमाम जोड़ों के दर्द का इलाज आसानी से ठीक होना मुमकिन है। सफ़ी है धामपुर से, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, से बात करा दो आप। जी आदावर, बताइए क्या सवाल है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सर घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा भयंकर है, उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, जैसे चलती हूँ तो एकदम पिचक जा, चीख निकल जा सर। कब से है आपको, कब से तकलीफ है ये आपको? ये तो 10 साल से हो गई है, अब ज्यादा बढ़ रहा सर। ठीक है, एज बता दीजिए, अपनी उम्र बताइए। जी 50 साल। अच्छा देखिए, ये दर्द बहुत आसानी से जा सकता है आपका, 10 साल से आप तकलीफ उठा रहे हैं, मुझे 5 महीने दे दीजिए, सिर्फ 5 महीने, और वो दवा जो आप खुद लें, खुद बनाएं, खुद खाएं, खुद ठीक हो जाएं, और दवा भी बता दूंगा जो आपको फ़ायदा करेगी, रॉ मटेरियल बताता हूँ। देखिए उससे पहले ये ज़रूरी है कि आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट हो, नहीं है तो लगवा लें, ये कुर्सी वाला बाथरूम, बेटे से पति से मेरी तरफ से कहिए कि इस उम्र के और इस रोग के लोगों के लिए ये ज़रूरी है, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये नहीं होगा तो टाइम बहुत लगेगा। ठीक है, एक दवा जिसे हम कैप्सूल टी केयर कहते हैं, टी फॉर टाइगर, सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेने से आपका ठीक होना मुमकिन है। अगर आप जल्दी भी ठीक हो जाएं, 1 महीने में भी भगवान आपको ठीक कर दे, तो 3-4 महीने दवा लेनी है ताकि ये दोबारा ना लौट सके। अगर खुद नुस्खा बनाना चाहते हैं तो गोंद स्याह आता है, एक काला गोंद आता है जिसे हम गोंद स्याह कहते हैं, और ये
असली लेना है, नकली बहुत मिलता है। जिस दिन आपको असली मिल गया, उसको 100 ग्राम भी मिल गया तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाना होता है। ये रॉ मटेरियल लेना, घर में पाउडर बनाना, कड़वा बहुत होता है, नकली बहुत मिलता है। असली लेना, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, पानी से बगैर चर्बी के दूध से, और आप लोग रईस हैं तो जूस से भी फ़ायदा करेगा। जिससे भी लेके फ़ायदा करना है आपको, 5 दिन 10 दिन इंतज़ार करना, इसके बाद फ़ायदा शुरू करेगा। वेस्टर्न टॉयलेट आपके लिए अनिवार्य है जी। गोरखपुर से अगले कॉलर हैं माधुरी, स्वागत है आपका जी। बताइए माधुरी जी, क्या सवाल है आपका? हमारे हमको पेट में बहुत परेशानी रहती है, पेट में जैसे लगेगा ना कि ये सामने से राइट साइड में यहाँ कुछ हड्डी के पास कुछ गड़ रहा है, गैस की प्रॉब्लम है, तो हम दवा अगर मामूली सा रोग है तो एक नुस्खा बड़ा कामयाब है, सौंफ 200 ग्राम, मेथी 200 ग्राम, धनिया 200 ग्राम, ये सौंफ, धनिया, आंवला और मेथी, ये 200 ग्राम लेकर पाउडर बनाएं और एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ लिया करें, गर्म पानी के साथ, और दिन में 5 बार गर्म पानी पिया करें तो आपकी समस्या हल होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर पुष्पेंद्र यादव जी एमपी से, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार, बोलिए। सर से बात कराएं? जी यादव साहब, आदाब। हाँ सर, मुझे एलर्जी हो रही, मतलब हर जगह शरीर में फंसी होती है छोटी छोटी, और फिर वो अपने आप पीलापन आ जाता है, फिर वो खुजली देने लगती है। कब से है यादव साहब, कब से ही तकलीफ है? ए सर, कम से कम 1-1.5 महीना हो गया है। अच्छा, देखिए यादव साहब, ये याद रखें कि ये सोराइसिस की शुरुआत हो गई, और इसमें आप एक नुस्खा अगर आप बना लें तो बड़ा अच्छा है। अलसी लें तकरीबन 500 ग्राम अलसी, इसको हल्का सा भून के पाउडर बना लें, और एक आता है जैतून का रसायन, जिसे जैतून का नमक हम लोग कहते हैं आसान भाषा में, जैतून का रसायन आता है, ये नमक जैसा ही होता है देखने में लेकिन नमकीन नहीं होता, ये 100 ग्राम लें और 500 ग्राम अलसी, इसमें पाउडर बना दें साथ में, और एक एक ग्राम एक बड़े कैप्सूल के बराबर तीनों टाइम खाने से पहले खाने के बाद पानी से लिया करें, और एनिमल फैट का उपयोग ख़त्म कर दें तो बहुत जल्द ठीक होना मुमकिन है जी। सिरसा हरियाणा से अगले कॉलर हैं जसवीर जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ, एक एक बाएं तरफ की जो टांग है ना, उसमें ऊपर से लेके नीचे तक पूरा दर्द होता है। जी। कितना 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 समय हो गया और कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र है जी 48। और कितने समय से है ये? ये 2 साल से है, बीच बीच में ना ठीक हो जाता है, तो उसमें कई बार जो बैक साइड होती है अपने टांग की, उसमें दर्द होता है, बस इसको सुन आ जाती है उसमें नीचे तक पैर तक। हाँ देखो, हरियाणा वालों, आप तो पहलवान टाइप के लोग होते हो, इसलिए एक बात समझ लो कि कहीं जोर नहीं लगाना, कुछ वजन नहीं उठाना आपको, ये सबसे पहले याद रखें। ये साइटिका हो गया है, कमर में नसें दब जाती हैं जिसको साइटिका कहते हैं, और हरियाणा के लोग तो होते ही बलिष्ठ पठानों की तरह, कुछ भी उठा कर फेंक दिया किसी से भी, और ऐसा मेहनत का काम नहीं करना। और घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट आपके लिए ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? ये 2 बातें मेरी तरफ से। और गोंद स्याह आता है, काला गोंद के नाम से, असली लेना है, नकली ना दे दे आपको कोई, कड़वा होता है बहुत, 100 ग्राम खरीद लें बस, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम को नाश्ते और खाने के बाद, ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपका रोग ख़त्म हो सकता है। दिल्ली से नेक्स्ट कॉलर है मीना हमारे साथ, स्वागत है मीना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। पहले तो सर को मेरे दोनों हाथों से जोड़ के नमस्कार। मेरा भी आपको आदाब, दोनों हाथ जोड़ के।
सर जी मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ, आपको मालिक भला करे मेरा दाता, आपको बड़ी बड़ी लंबी उम्र दे, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, कुछ बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घुटनों में सर जी दर्द था 5-6 साल से, और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे औलाद भी नहीं है कोई देखने वाली, अरे अब मेरी आंख सांस से निकलने हो रहा है, मेरे को कोई देखने वाला नहीं था, मैंने बहुत बर्बाद हो गई, बहुत बर्बाद हो गई, जब एक रोज मैंने देखा आपको टीवी पे, दिल ने सोचा क्यों ना मैं एक बार इनसे गोद किया मंगा के देखूं, वो मैंने मंगाया, आज मेरे 15-16 दिन हो गए खाते हुए, मुझे बहुत आराम है, मालिक आपकी औलाद को खुश रखे और आपको भी खुश रखे मेरा दाता। और कोई सवाल तो नहीं है? और सर मेरे को बीपी हाई होता है, कभी लो होता है, सोते सोते में बीपी हो जाता है, मैं उससे बहुत परेशान हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 50 साल की उम्र है जी, और मेरा आदमी मजदूरी करता है, मैंने बड़ी मुश्किल से कैसे करके बनाया, बड़े दिल को अपने मुख्यमंत्री मुख्य मुख्य दवाई मंगाई, मेरे को उससे बहुत फायदा है, मालिक आपको लंबी उम्र करे, भगवान आपकी भी खूब मदद करे और आपके पति पति की भी मदद करे, मुझे भी आपने रुला दिया। और ऐसे लोग जो बहुत गरीब हैं, ये उनके लिए ही दवा है, 10-12 रुपए रोज़ की पड़ती है, ये अपने ख़त्म होने से पहले आपको रोगमुक्त करने की सलाहियत रखती है। और देखिए आपने मुझे इतनी दुआएं दे दी, भगवान आपके साथ भी बहुत अच्छा मामला करे, दुआ दे सकता हूँ, मशवरा दे सकता हूँ। अच्छा, जो लोग इनकी लाइन पे बैठे हैं ना, इनका नंबर नोट किया जाए, जो भी लोग इनका फ़ोन काटा ना जाए, इनका नंबर नोट किया जाए और इनकी जो भी मुमकिन हो मदद की जाए। और ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, इसके लिए लहसुन आता है ना जो सब्ज़ी में डलता है, ये 5-10 लहसुन रोज़ खाने हैं। अच्छा देखिए, ये भी बड़ा महंगा आने लगा सब कुछ, लेकिन जब भी आप खाना खाएं ना, तो 5-6 लहसुन छील के रख लें। मैं ख़ुद भी खाता हूँ, मुझे भी सब वो बीमारियाँ होती हैं जो आपको होती है, मैं भी मामूली इंसान हूँ, तो एक निवाले में एक लहसुन चबा के खा लें, फिर एक निवाले में एक लहसुन, ऐसे 5-10 लहसुन एक दिन में खाने हैं, आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपका दिल और बहुत सारे फ़ायदे आपको होंगे। और फिर दोबारा फ़ोन कीजिएगा, मुझे मेरी अधूरी बात रह गई और मैं आपको कुछ और भी मशवरा देना चाहता था। दिल्ली से अगले कॉलर हैं बजरंग, हमारे साथ स्वागत है आपका। हाँ जी बोलिए। मैं बोल रहा हूँ साहब, मैंने आपके सिया गोन मंगाया है और तकरीबन आज 20-22 दिन हो गए मेरी वाइफ के लिए, उनके घुटनों में कमर में संदेह का दर्द हो रहा था, तो अभी 20-22 दिन हो गए, उनके थोड़ा बहुत दर्द में तो फायदा है, 150 ग्राम मंगाया था जी। जी क्या क्या कुछ और कहना भी चाहते हैं? अभी ये पूछ रहा हूँ कि साहब इसकी कोई परेशानी तो नहीं है, इसको देते रहे क्या हम? और नहीं, फायदा शुरू हो गया, 10% भी फायदा हो गया है और 20-22 दिन हो गए हैं, तो आप इत्मीनान रखें, इसी तरह फ़ायदा होता, किसी को थोड़ा तेज़ी से, किसी को थोड़ा सुस्ती से, फ़ायदा शुरू हो गया तो फ़ायदा पूरा होगा। अभी तो ये 150 ग्राम गोंद अगर आपने लिया है तो ये 5 महीने चलता है, आधा आधा ग्राम सुबह शाम खा रहे हैं ना, तो 5 महीने चलता है, और समझ लीजिए अगर 20% भी फ़ायदा 1 महीने में हुआ तो 5 महीने में आपका 100% भी ठीक हो सकता है। वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें और खूब भगवान से प्रार्थना करें, मेरा मशवरा आपको ईमानदारी से है। अब आपका और आपके भगवान का मामला है, उससे जितनी मदद मांगेंगे इतनी जल्दी फ़ायदा मुमकिन है, घबराने की ज़रूरत नहीं, फ़ायदा शुरू हो गया और आप बहुत जल्द फ़ोन करके बताएंगे कि आपकी पत्नी पूरी तरह ठीक हो चुकी है।